वैक्सीन से जुड़े हुए 4 अपडेट्स आपके साथ ही वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें सेकंड अपडेट सच में काफ़ी अच्छा है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। नए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 10% डिस्काउंट के साथ आप आपके लिए, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी के लिए भी बुक कर सकते हो। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उनका मतलब निकलता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ है, जो आपको 5 से लेकर 7 महीने तक कोरोना से बचाए रखता है। ये टेस्ट हम सभी को ज़रूर से करवाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो कोरोना से रिकवर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है फाइजर के साथ। यहाँ पे फाइजर की वैक्सीन यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रूव हो चुकी है, यूएसएफडीए ने भी अप्रूव कर दिया है। ऐसे में कल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है फाइनली मार्केट में वापस आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइजर की वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो चुकी है। 9 मंथ्स में ही ये पॉसिबल हुआ है साइंटिस्ट की वजह से। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि मंडे तक, मतलब कल तक, यूनाइटेड स्टेट्स के सारे स्टेट्स के अंदर ये वैक्सीन के डोजेस जो है ना वो पहुंच जाएंगे फेडेक्स की मदद से। और यहाँ पे कल से ही वहाँ पे वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी और प्रायोरिटाइज किया जाएगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, हाई रिस्क पेशेंट्स को, जिसकी एज ज़्यादा है या फिर जिनकी एज कम है लेकिन कोई डिजीज़ उन्हें ऑलरेडी हो रखा है, इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इन्हें अभी सेम चीज़ जो अप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ। यहाँ पे कल जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के सीईओ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमें जो है वो ये मंथ एंड तक इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और 99% ऐसा होगा ही, क्योंकि कोई ऐसा ग्लिच मेजर सामने आया नहीं है और हाफ डोज में तो वैक्सीन जो है वो 90% एफिशिएंट है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वैक्सीन ड्राइव जो है वो जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लॉन्च की बात नहीं है, इमरजेंसी ग्रांट तो जो है वो दिसंबर 2020 में ही मिल जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने में जो है वो जनवरी 2021 तक का समय लगेगा। क्योंकि यहाँ पे तो हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 24 आवर्स में सारे स्टेट्स में वैक्सीन पहुँच जाएगी, ऐसा यहाँ नहीं होगा, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल अक्टूबर 2021 तक हो जाएगी, जब अप्रॉक्सीमेटली इंडियन पॉपुलेशन के 20% लोगों को कोरोना के वैक्सीन के डोजेज जो है ना वो लग जाएंगे। आगे बढ़ता है थर्ड अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है केरला के चीफ मिनिस्टर के साथ। यहाँ पे उन्होंने कल अनाउंस करते हुए कहा कि केरला में कोरोना की वैक्सीन जो है वो फ्री में होगी। यहाँ पे एक चीज़ है, सारे स्टेट्स के सीएम ही अनाउंस करने ही वाले, लेकिन ये पूरे इंडिया में फ्री में ही मिलेगी। लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है सिनोफार्म वैक्सीन के साथ। यहाँ पे सिनोफार्म जो है वो चाइना की वैक्सीन है, जिसके ट्रायल्स जो है पेरू में चल रहे थे। 12,000 लोगों पे ट्रायल्स होने वाले थे और यहाँ पे वो ट्रायल्स को कल रोक दिया गया है। यहाँ पे पेरू में जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट सामने आया है, ऐसे में इसके ट्रायल्स जो है वो रोक दिए गए हैं। ये वैक्सीन जो है वो यूएई के हिसाब से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हिसाब से 86% एफिशिएंट है, लेकिन चाइना का ऐसा कोई भी क्लेम अब तक नहीं आया हुआ है। आशा रखता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आया है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आपको भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।